अमृतपाल कौर जी को हमारा देश कितना जानता है, जो सिख समाज की बेटी थी, जिन्होंने अपनी 100 एकड़ भूमि दान करके एम्स बनवाया, आज उनका नाम कहीं आता है? नहीं आता। देश में कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, वहाँ रूल है, आज दस्तार को हाथ लगाता है 10 साल की सजा है। हमारे भारत वर्ष में आज सिखों की पगड़ियों को उछाला जाता है। आज गुरु ग्रंथ साहब जी को सुप्रीम कोर्ट लिविंग गुरु की उपाधि दे चुका है, आज उसके जगह जगह पेज फाड़े जाते हैं, उनके अंग को डिस्ट्रॉय किया जाता है, आज उसको कह के छोड़ दिया जाता है दिवालिया था, पागल था। हर एक देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा निशान साहिब झूलता है, और देश की वो आज विडंबना मैं कहती हूँ, देश के लिए दुख की बात है, आज हमारे देश के अंदर 26 जनवरी पे निशान साहिब लगे तो देश को दिक्कत होगी। 8 करोड़ रुपए की राशि 26 नवंबर को एकत्रित हुई थी, और उस राशि में 8 करोड़ में से 46% सिख समाज ने अपनी पैसा दिया था। आज आप ये बताइए, अमृतपाल कौर जी को हमारा देश कितना जानता है, जो सिख समाज की बेटी थी, जिन्होंने अपनी 100 एकड़ भूमि दान करके एम्स बनवाया, आज उनका नाम कहीं आता है? नहीं आता। मदर टेरेसा को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज उनको विश्व में प्रसिद्ध किया हुआ है। क्या हमारी देश की बेटी जो सिख पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, उन्होंने अपनी 100 एकड़ भूमि दान दे दी, आज हमारे देश में देता है कोई? लेकिन उन्होंने अपनी भी दी, सारे जो अपने मसूरी के मनाली के जो रेस्ट हाउस थे वो तक डॉक्टर को दे दिए कि आप लोग सेवा करते हो, आप लोग वहाँ रहो, उन्होंने अपना सब त्याग कर दिया। मतलब ये है, सुनो, फांसी चढ़े तो सिख धर्म चढ़ाओ, आप विदेश में कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, वहाँ रूल है, आज दस्तार को हाथ लगाता है 10 साल की सजा है। हमारे भारत वर्ष में आज सिखों की पगड़ियों को उछाला जाता है, कौन सा बात, कौन सा रूल बना हुआ है ये बताइए। दूसरा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी समाज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं सर्व समाज के लिए उठाती हूँ आवाज, आप सुनिए सर, आप ये सुनिए, सिख धर्म के अंदर आज गुरु ग्रंथ साहब जी को सुप्रीम कोर्ट लिविंग गुरु की उपाधि दे चुका है, आज उसके जगह जगह पेज फाड़े जाते हैं, उनके अंग को डिस्ट्रॉय किया जाता है, आज उसको कह के छोड़ दिया जाता है दिवालिया था, पागल था। मैडम हर धर्म के साथ होता है, देखते हैं, रोज देखते हैं, यूपी में अभी हुआ है, आपके हस्तिनापुर में अभी हुआ है, जब भी मैंने देखा है, जब बंदों को पकड़ते हैं तो कहते हैं दिवालिया हो गए हैं, क्यों भाई? अब जो यही पागल होते हैं इनको फिर दिवालिया भी है तो सजा दो आप। दूसरी बात, सिख धर्म के बार बार आप ये बात बार बार उठाते हो जी ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ वो खालिस्तान है कहाँ, वो मुझे भी दिखा दो। सिख धर्म का अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आप आजाद हैं, मगर दूसरे धर्मों को आप गलत साबित कैसे करेंगे? आज ये बताइए, 26 जनवरी को इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, कुछ भी नहीं था इशू। एक बात बताओ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया हर एक देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा निशान साहिब झूलता है, और देश की वो आज विडंबना मैं कहती हूँ, और देश के लिए दुख की बात है, आज हमारे देश के अंदर 26 जनवरी पे निशान साहिब लगे तो देश को दिक्कत होगी। सिख समाज को कितना सुनना पड़ा, सिख समाज की आहत हुई है भावनाएं, और मैं आपको कहना चाहती हूँ जी, सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा बताइए, बिल्कुल सुनो, केंद्र सरकारों को बाकायदा फटकार लगाई, लेकिन सरकारें जो है ऐसे हरकतें क्यों करती है? न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने तो बिल्कुल, न्यायालय, मैं क्योंकि न्यायालय को मानती हूँ, न्याय प्रणाली को मानती हूँ, मैं कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर से बाहर जाके बात नहीं करती, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करती हूँ। 1962 की आप बात ले लीजिए, जिस टाइम बना था ना एनडीएफ, नेशनल जो डिफेंस फंड, उसके अंदर 8 करोड़ रुपए की राशि 26 नवंबर को एकत्रित हुई थी, और उस राशि में 8 करोड़ में से 46% सिख समाज ने अपनी पैसा दिया था। आपके 257 किलो गोल्ड जो है वो आपके बरामद उस टाइम दिया था, दान किया था, 257 में 256 किलो गोल्ड जो था सिख समाज ने दिया था। क्या वो शहादतें भूल गए? 12,000 जो थे मेडल महाराजा रंजीत सिंह जी के दिए हुए थे, वो तक उन्होंने दान में दे दिए थे। सिख समाज को, सिख समाज ने ही किया, आप यह कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, अगर सिख समाज ने किया तो हमारे लोग आवाज उठाने वाला मैंने कोई नहीं देखा, कोई नहीं कहता, सब ये कहते तो खालिस्तान मांगते था। अरे आपने देखा तो ऑक्सीजन लंगर जब लगे थे वहाँ पे, क्या देश के हालात वहाँ बने हुए थे? लेकिन तो पैसा कहाँ से आया था पता है आपको? जी बताइए। वो सारे पैसा हिंदुओं ने ही दिया था, इतने गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं, 90% है बिल्कुल। हाँ, सिखों में ये भाव है, वो बांटना जानते हैं, हिंदू मंदिर में बांटना नहीं जानते हैं, लेकिन पैसा सारा हिंदुओं का आता है, ऐसा है, हम सभी लोग देते हैं, गुरुद्वारे में हम भी जाते हैं, वहाँ लंगर खाते तो हम भी दान दक्षिणा देते हैं, और हमारा समाज % आप भी जानते हैं, देश जो है पूरा देश में तेरा जो अपने ब्राह्मण भक्त है
साहब जी के अंदर आप ये देखो सारे के सारे धर्म है। वहाँ श्री राम जी की इतनी प्यारी प्यारी वाणियां है, श्री कृष्ण जी के सुंदरता के ऊपर इतनी प्यारी प्यारी वाणियां है, मेरा दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उसके अंदर हमारे 13 जो है ब्राह्मण भट्ट जो बिल्कुल विद्वान थे उनकी भी वाणियां है, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सब लोगों की, कबीर जी की वाणियां, रविदास जी की वाणियां है। लेकिन आज मेरा कहना है, मेरा एक और जो मैटर है ना मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैडम सिख धर्म कहाँ से शुरुआत हुआ? हर घर से पहला बेटा सिख बनाया था, और किसके लिए बनाया था? धर्मों के लिए तो बनाया था, बचाने के लिए। लेकिन समाज के बचाव के लिए बनाया गया ही लोगों ने, सुनो मेरी बात, आप इसे जो है ना हिंदू धर्म से